दोस्तों ओलंपिक्स 2020 टोक्यो में शुरू हुआ है और रोजाना मेडल्स के लिए स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देखने को मिलता है। एथलीट्स में जोश भरपूर नजर आता है और देशवासियों की नजर अपने अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स को ढूंढती रहती है। ये ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट है, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स और उनकी परफॉर्मेंस एक प्लेटफॉर्म पर केवल ओलंपिक्स में ही दिखाई देती है। सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, हालांकि इसमें एक्सेप्शंस हैं और जियोपॉलिटिक्स के चलते कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो पहले ही ओलंपिक्स को बॉयकॉट कर चुकी हैं। कुछ कंट्रीज इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी द्वारा बैन की गई हैं, जैसे इस साल रशिया बैन्ड है, लेकिन बैनिंग और बॉयकॉटिंग किसी मेजर रीजन से होता है। जनरली ये एक इंक्लूसिव और हेल्दी इवेंट होता है। यदि इवेंट ग्लोबल है तो जाहिर है कि दुनिया की नज़र इस इवेंट पर क्लोजली रहती है। काफी बारीकी से सभी इवेंट्स को देखा जाता है। दुनिया भर के एनालिस्ट, टॉप नॉच स्पोर्ट्स पर्सन, वर्ल्ड नंबर वंस और ब्रॉडकास्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के डेलीगेशंस शामिल होते हैं। मॉडर्न ओलंपिक्स करीब 125 साल से चल रहा है। शुरुआत में कम देश पार्टिसिपेट करते थे, पर धीरे धीरे इसकी रीच बढ़ती गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पोर्ट्स इवेंट होने के बाद भी कुछ देश इसे अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए यूज करते हैं। यूएसए और सोवियत रशिया ने कई सालों तक ओलंपिक्स में टॉप परफॉर्मेंस दी। दोनों देश फर्स्ट और सेकंड पोजीशन की टसल में रहते आए हैं। 1896 एथेंस में पहले मॉडर्न ओलंपिक्स हुए, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और 8 यूरोपियन देशों ने मेडल्स अर्न किए थे। 100 साल के बाद अब 2016 रियो ओलंपिक्स तक 87 मेडल विनिंग नेशंस इमर्ज हुए, जिसमें अल्जीरिया से लेकर वियतनाम तक शामिल है। ओलंपिक गेम्स की हिस्ट्री दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ चलती रही है, जिसमें वर्ल्डली मेजर इवेंट्स नजर आते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के वक्त ओलंपिक का ना होना, कंट्रीज का राइज एंड फॉल, कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन की स्ट्रेंथ और चाइना का ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरना। इसके अलावा हिटलर रजीम के वक्त हिटलर ने बर्लिन ओलंपिक 1936 में अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस और आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों आज हम ओलंपिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करने नहीं आए हैं, आज हम चाइना के ओलंपिक में प्रदर्शन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज पर काम करता है जिसके कारण उसका ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट रहता है। चाइना की ओलंपिक्स में ऑफिशियल शुरुआत समर ओलंपिक्स में 1952 से और विंटर ओलंपिक्स में 1980 के बाद हुई थी, पर धीरे धीरे दोस्तों चाइना ने कई सारे मेडल्स जीते और यूएसए और सोवियत रशिया को चैलेंज किया। पिछले 3 ओलंपिक्स की बात करें तो 2008 में चाइना होस्ट था और परफॉर्मेंस टॉप क्लास रही और 58 गोल्ड मेडल्स के साथ चाइना गोल्ड मेडल टैली में सबसे ऊपर रहा। हालांकि ओवरऑल मेडल्स में यूएसए ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते थे। 2012 लंदन और 2016 रियो दे जनेरियो में परफॉर्मेंस उतना बेहतरीन नहीं रहा था, पर 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में चाइना ने अब तक सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हैं। हालांकि चाइना का फोकस ज्यादातर गोल्ड ही रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने सिल्वर और ब्रोंज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं रखा हुआ है। लेकिन इस डिस्कशन में डाइव करने से पहले एक बार हम चाइना में ओलंपिक्स की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। दोस्तों जैसा चाइना प्रेजेंटली ओलंपिक्स मेडल टैली में नजर आता है, ऐसा हमेशा नहीं था। चाइना की पॉलिटिकल सिचुएशन 1949 तक काफी वॉलेटाइल थी और उसका स्पोर्ट्स पर फोकस नहीं था। 1949 से पहले जो आज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसे द रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते थे, जिसमें ताइवान और मेनलैंड चाइना शामिल थे। और जैसे आज कम्युनिस्ट पार्टी का वन पार्टी रूल है, वैसे ही 1912 से 1949 तक द कुओमिंटांग का रूल था। 1952 ओलंपिक्स में ऑफिशियली पार्टिसिपेट करने के पहले तक चाइना ने कुछ फेल्ड अटेम्प्ट्स दिए हैं। चाइना 1932 में ओलंपिक गेम्स में केवल एक एथलीट के साथ गया था। हालांकि इसने वर्ल्ड अटेंशन को अट्रैक्ट किया, पर कोई खास अर्निंग नहीं हुई। इस अटेम्प्ट के बाद पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से एम्बैरेसमेंट हुई कि इतनी बड़ी कंट्री ने एक एथलीट क्यों भेजा। हालांकि इस इवेंट ने चाइना को फोर्स किया कि वो ओलंपिक्स को लेकर सीरियस हो जाए। 1935 में यानी बर्लिन ओलंपिक्स से एक साल पहले चाइना ने प्रिपरेशंस, बेस्ट एथलीट्स के सिलेक्शन और ट्रेनिंग स्कूल पर 2,00,000 युआन सैंक्शन किए। एक डेलीगेशन ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें 69 कॉम्पिटिटर फॉर एथलेटिक्स, स्विमिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग एंड साइकिलिंग, 39 ऑब्जर्वर्स और चाइनीज मार्शल आर्ट ऑफ वुशू के 9 डेमोन्स्ट्रेटर शामिल थे। 150 जर्नलिस्ट भी बर्लिन पहुंचे, पर इसमें स्टेट ने फंडिंग नहीं दी और सभी जर्नलिस्ट अपने खर्चे पर गेम्स में पहुंचे। हालांकि कोई मेडल्स नहीं जीते गए, पर ओलंपिक्स के बाद वुशू डेमोन्स्ट्रेटर्स डेनमार्क, स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया एंड इटली गए।
इनके अलावा ऑब्जर्वर्स यानी स्कॉलर्स, टीचर और फिजिकल एजुकेटर्स ने यूरोप में 6 हफ्ते स्पेंड किए और वहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्टडीज और स्कूल्स और कॉलेजेस में फिजिकल ट्रेनिंग को क्लोजली ऑब्जर्व किया। ये टूर बाद में चाइना के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। बर्लिन के बाद 1940 और 1944 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर टू के कारण हुए ही नहीं। रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 1948 में भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, पर इसमें बहुत तौहीन हुई थी। एथलीट्स को अपना खर्चा खुद उठाना पड़ा। कई स्पोर्ट्स पर्सन को द कुओमिंटांग गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिली, पर वो इतनी कम थी कि डेलीगेशन को वापस चाइना लौटने के लिए मनी बोरो करना पड़ा। 1948 लंदन ओलंपिक्स में आरओसी की बास्केटबॉल और फुटबॉल टीम्स को मनी और फंडिंग के लिए हांगकांग, साइगोन, मनीला, बैंकॉक, सिंगापुर, रंगून एंड कलकत्ता में टूर कर मैचेस खेलने पड़े थे। 1948 के बाद चाइना में गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी की रेजीम शुरू हुई। इसके बाद चाइना में ट्रेमेंडस चेंजेस आए। 48 में लंदन ओलंपिक्स के बाद कुओमिंटांग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया और 49 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश हुआ। यहाँ से शुरू होता है ग्लोबल ओलंपिक मूवमेंट, जिसमें नई रेजीम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों की हेल्थ और स्पोर्ट्स पर फोकस करने लगी। चाइना का मेन लैंड तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर आ गया, पर कुओमिंटांग अथॉरिटीज ताइवान में बाकी थी। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में एक डिस्प्यूट पैदा हुआ, जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपने डेलीगेशन भेजा लेकिन चाइनीज ओलंपिक कमेटी के कुछ मेंबर्स ताइवान चले गए। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कुओमिंटांग अथॉरिटीज ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से कहा कि चाइना के मेनलैंड की टीम नहीं बल्कि ताइवान में सीओसी के मेंबर्स ही चाइना को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि आईओसी ने उस वक्त दोनों साइड को डिसअप्रूव कर दिया, लेकिन जुलाई 15, 1952 यानी हेलसिंकी ओलंपिक्स के शुरू होने से 2 दिन पहले आईओसी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि चाइनीज ओलंपिक कमेटी यानी सीओसी को चाइना का सोल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। डेलीगेशन काफी लेट पहुंचा और अपने रेड फ्लैग फहराया। उस वक्त यही सबसे बड़ी जीत मानी गई। हालांकि 1954 में आईओसी ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और सीओसी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। तब ऐसा लगने लगा था कि चाइना का रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम सॉल्व है, पर ऐसा नहीं था। इस रेजोल्यूशन के बाद कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ। आईओसी की लिस्ट ऑफ कंट्रीज में 2 चाइना सामने आए। ताइवान में जो प्री 1949 से बची हुई KMT लीडरशिप थी वो खुद को चाइना मानती थी और चाइना को 1949 के बाद PRC बना था, और दूसरा वो चाइना जो 1949 के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स के लिए रेडी PRC डेलीगेशन केवल प्रोटेस्ट करता रह गया। उनका कहना था कि 2 चाइनीज NOCs यानी नेशनल ओलंपिक कमिटीज या 2 चाइनीज डेलीगेशंस ओलंपिक गेम्स में नहीं होना चाहिए। इसके कारण चाइना को मेलबर्न और आने वाले 5 ओलंपिक्स में बैन किया गया। इससे ग्लोबल डिससेटिस्फेक्शन पैदा हुआ, क्योंकि ग्लोबली एक ही चाइना और लोगों का मानना था कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। ये फैक्ट यूनाइटेड नेशंस की 119 मेंबर्स कमेटी ने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर चाइना को आईओसी ने ओलंपिक चार्टर के वायोलेशन में एक्सक्लूड क्यों कर रखा था? कई सालों के बाद आईओसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 1979 में मीटिंग की और चाइना को आईओसी में रीइंस्टेट किया, जबकि ताइवान को केवल चाइनीज ताइपे ओलंपिक कमेटी के अंदर अलाउ किया। आईओसी ने कहा कि ताइवान इस नाम को यूज कर ओलंपिक्स में आ सकता है और अपना फ्लैग, एंथम और एम्बलम ओरिजिनल चाइनीज सिग्नेचर से अलग यूज कर सकता है। ऐसे में चाइना का सोल रिप्रेजेंटेटिव सीओसी बन गया। चाइना में इमीडिएटली 1980 में लेक प्लेसिड में हुए विंटर ओलंपिक्स और 1982 में मॉस्को ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिप्रेजेंटेशनल स्ट्रगल, चाइना ने अपने एथलीट्स भी स्ट्रांगली तैयार किए, लेकिन चाइना की स्ट्रेटजीज हमेशा एथिकल और सही नहीं रही हैं। कई डोपिंग के मामले सामने आते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना अपने एथलीट्स को काफी स्ट्रिक्टली तैयार करता है। हम एक बार देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो चाइना को सबसे ज्यादा मेडल्स जिताती हैं। इंडिया की मीराबाई चानू को चाइना की हो जीहुई ने 49 किलोग्राम डिवीजन के फाइनल्स में हराया। चानू ने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता और भारत को प्राउड फील कराया। वहीं चाइना की हो जुही ने गोल्ड जीता। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हो 12 साल की उम्र से केवल एक मिशन के लिए तैयार हो रही थी कि उन्हें अपनी बॉडी वेट से डबल वजन उठाना है। हफ्ते के 6 दिन और साल में केवल कुछ ही दिनों का ब्रेक ये गोल्ड मेडल के लिए हो का सेक्रीफाइस रहा है। चाइनीज वेट लिफ्टिंग टीम बड़ी कोहेसिव है और पूरी टीम का सपोर्ट बहुत अच्छा है। हम सभी केवल अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं, ये गोल्ड जीतने के बाद 24-year-old हो ने कहा। चाइना की स्पोर्ट्स असेंबली लाइन केवल एक पर्पस के लिए डिजाइंड है, गोल्ड मेडल्स के लिए। सिल्वर और ब्रोंज को बेयरली काउंट किया जाता है।
टोक्यो ओलंपिक में चाइना ने 413 एथलीट्स को फील्ड किया है, जो बीजिंग ओलंपिक्स के बाद से सबसे ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइनीज पब्लिक इंडिविजुअल एथलीट्स द्वारा किए गए सेक्रीफाइसेस को लेकर इंक्रीजिंगली वेरी करता है। ऐसा क्या है कि मेडल्स की होड़ में चाइना इतना क्रूअल हो गया है? इसके पीछे कई कारण हैं। सोवियत मॉडल की तरह चाइनीज सिस्टम भी स्टेट पर रिलाई करता है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन को फुल टाइम ट्रेनिंग में चाइना भर में करीब 2000 गवर्नमेंट रन स्पोर्ट्स स्कूल्स में भेजा जाए। इस तरह से हजारों की संख्या में बच्चे जिन्हें अपनी लाइफ गोल्स का कोई आइडिया नहीं है, स्पोर्ट्स खेलने में फोकस करने लगते हैं। गोल्ड मेडल्स की इस होड़ में चाइना ये भी करता है कि वो केवल उन लेस प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स को फोकस करता है जो वेस्ट में अंडर फंडेड है। ये ऐसे स्पोर्ट्स जिनमें एक से ज्यादा गोल्ड मेडल दिए जाते हैं। ये केवल कोइंसिडेंस नहीं है कि 1984 के बाद चाइना ने 75% ओलंपिक गोल्ड मेडल्स केवल 6 स्पोर्ट्स में जीते हैं, जो टेबल टेनिस, शूटिंग, डाइविंग, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक्स और वेट लिफ्टिंग है। इन स्पोर्ट्स में वेस्ट बेयरली नजर आता है। दोस्तों, चाइना के गोल्ड में से 2/3 से ज्यादा फीमेल चैंपियंस हैं। करेंटली टोक्यो डेलीगेशन में भी चाइना 70% वुमेन फील्ड कर रहा है। सिडनी गेम्स 2000 में विमेन्स वेट लिफ्टिंग एक मेडल स्पोर्ट बन गया और बीजिंग के लिए एक आइडियल गोल्ड मेडल स्ट्रेटजी का टारगेट था। इसका कारण ये था कि एथलेटिक पावर हाउस माने जाने वाले देशों में फीमेल्स को वेट लिफ्टिंग में फंडिंग के लिए स्क्रैम्बल करना पड़ता था, क्योंकि ये प्रोमिनेंट नहीं था। इसी के साथ वेट लिफ्टिंग मल्टीपल क्लासेस में 4 पोटेंशियल गोल्ड मेडल्स कॉन्टेस्ट में रखता था। बीजिंग को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता था कि वेट लिफ्टिंग को लेकर चाइना में कोई मास अपील नहीं थी, और प्री टीन गर्ल्स जो सिस्टम में लाई जाती थी उन्हें कोई आइडिया नहीं होता था कि ऐसा कोई स्पोर्ट्स है भी। बीजिंग के वेट लिफ्टिंग नेशनल टीम के ट्रेनिंग सेंटर में चाइना का फ्लैग है, जो लिफ्टर्स को ये याद दिलाता है कि उनकी ड्यूटी नेशन के लिए है, खुद के लिए नहीं। चाइना में जो लोग हेड्स हैं उनका मानना है कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है। ली हाओ का कहना है कि ये सिस्टम हाईली एफिशिएंट है। ली हाओ 2016 रियो दे जनेरियो गेम्स में वेट लिफ्टिंग स्क्वाड के हेड थे और फिलहाल सेंटर फॉर वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग एंड जूडो एट द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ चाइना में एंटी डोपिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। उन्हें लगता है कि इस सिस्टम के कारण ही चाइना की वेट लिफ्टिंग बाकी देशों और रीजन से एडवांस्ड है। दोस्तों, ओलंपिक ग्लोरी के लिए अधिकतर देश ईगर रहते हैं। यूएसए और सोवियत यूनियन, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में कहा, कि इन गेम्स को एक प्रॉक्सी कोल्ड वॉर बैटल ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बीजिंग का गोल्ड मेडल्स के साथ ऑब्सेशन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 1949 में हुए जन्म से कनेक्टेड है। चाइना को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना दरअसल रिवॉल्यूशनरी फोर्स है, जो एक तरह से सेंचुरीज लॉन्ग डिके और फॉरेन पावर्स के हाथों हार को रिवर्स कर रहा है। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के लीडर चेयरमैन माओ ज़ेडोंग ने अपने पहले एसे में लिखा था कि कंट्री को द सिक मैन ऑफ एशिया का टैग डिसमिस कर अपनी मसल पावर डेवलप करना है। दोस्तों, चाइना के मेडल जीतने का कारण एक और भी है, और ये है डोपिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक फॉर्मर नेशनल चैंपियन अपने रिटायरमेंट के बाद इम्पूवरिस्ट हो चुकी थी और वो पब्लिक बाथ हाउस में टॉयलिंग करने पर मजबूर थी। रिपोर्ट मेंशन करती है कि उसकी बियर डेवलप हो चुकी थी, जिसके लिए वो डोपिंग रेजिमिन को जिम्मेदार ठहराती थी, जो उस पर फोर्स किया गया था जब वो एक यंग एथलीट थी। कई ऐसे मामले सामने आते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि चाइना रेगुलर और मैंडेटरी डोपिंग करता रहा है। दोस्तों, चाइना ने अपने पहले ओलंपिक के बाद 1984 तक ह्यूज इंप्रूवमेंट्स दिखाए हैं। 1984 में उन्होंने 32 मेडल्स जीते, जिसमें 15 गोल्ड थे। 1988 में 11th रहे और केवल 5 गोल्ड जीते। बार्सिलोना 1992 और अटलांटा 1996 में चाइना ने 16-16 गोल्ड मेडल्स जीते। सिडनी 2000 और एथेंस 2004 में रिस्पेक्टिवली 28 और 32 गोल्ड जीते। बीजिंग में स्ट्रैगरिंग 100 मेडल्स जीते, जिसमें से 48 गोल्ड थे। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि ये एथिकल जीत थी या नहीं, इस पर हमेशा डोपिंग एलिगेशंस के कारण डाउट रहता आया है। दोस्तों, डोपिंग का मतलब है मिलावट। ये साइंस में तब से यूज होता है जब हम सेमीकंडक्टर या अलॉयज की बात करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। स्पोर्ट में इस वर्ड को इलीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। होता यह है कि एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन जब तक अपनी नेचुरल कैपेसिटी में खेल रहे हैं, ह्यूमन लिमिटेशंस में खेलकर एक्सेल कर रहे हैं, तब तक एवरीथिंग इज जस्ट ग्रेट। पर कई बार एथलीट्स अपनी नेचुरल कैपेसिटी इन्हांस करने के लिए कुछ प्रोहिबिटेड मेडिकेशंस, ड्रग्स एक्सेट्रा कंज्यूम करते हैं। यह अनएथिकल और इलीगल है, और इसी को डोपिंग कहते हैं। द गार्जियन ने 2017 में एक रिपोर्ट में बताया कि चाइनीज ओलंपिक टीम के एक फॉर्मर डॉक्टर ने रिवील किया है कि चाइना ने 1980s और 90s में
10,000 से ज्यादा एथलीट्स को सिस्टमैटिक डोपिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया था। ये प्रोग्राम सभी स्पोर्ट्स पर्सनल के लिए था। डॉक्टर ने यहां तक कहा कि 80s और 90s में सभी मेजर स्पोर्ट्स के मेडल परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स के कारण जीते गए। दोस्तों, जुए इंजियान 2017 में 79 ईयर ओल्ड डॉक्टर थे जिन्होंने मीडिया को ये सभी बातें शेयर की थी, जिन्हें चाइनीज विसल ब्लोअर कहा गया। 2017 में उन्होंने जर्मनी में पॉलिटिकल असाइलम सीक किया था। जुए क्लेम करते हैं कि चाइना एज यंग एज 11 साल की उम्र वाले बच्चों को भी कंपल्सरी डोपिंग स्कीम में इंट्रोड्यूस करता है। जुए कहते हैं कि ये रजीम है कि फुटबॉल, एथलेटिक्स, स्विमिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, डाइविंग, जिम्नास्टिक्स एंड वेट लिफ्टिंग में एग्जिस्ट करती थी और जिसने भी आवाज उठाई वो जेल गया। जुए के मुताबिक 80s और 90s के मेडल्स चाइना से वापस लेने चाहिए। हाउएवर, अब कोई चांस नहीं है कि रेट्रोस्पेक्टिवली मेडल्स वापस लिए जाएं, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिमिटेशंस बहुत पहले खत्म हो गई हैं। जुए बताती हैं कि उन्होंने डॉक्टर के तौर पर कई चाइनीज नेशनल टीम्स के साथ 1970s के बाद काम किया है। जर्मन टेलीकास्टर ARD को उन्होंने कहा कि वो जर्मनी इसलिए आई हैं क्योंकि 2012 में उनके डोपिंग के खिलाफ स्पीक आउट करने के बाद वो बीजिंग में सेफ महसूस नहीं करती हैं। जुए बताती हैं कि पहली बार उन्हें डोपिंग इशू तब समझ आया जब 13 से 14 साल के मेल एथलीट्स को ऑफिशियल्स सब्सटेंसेस देते थे। यदि कोई डोप करने से रिफ्यूज करता था तो उसे टीम छोड़नी होती थी और मैं उसमें कुछ नहीं कर सकी, ये उन्होंने कहा। उन्हें भी 1988 ओलंपिक गेम्स की नेशनल टीम के साथ काम करने से डिसमिस कर दिया गया था जब उन्होंने एक जिमनास्ट को बैंड सब्सटेंस के साथ ट्रीट करने से मना कर दिया था। 2017 में दोस्तों एक मामला सामने आया जब 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 4 विमेन्स ने वेट लिफ्टिंग गोल्ड चाइना को जिताया था, जिनके सैंपल्स को री एग्जामिन किया गया, बैंड सब्सटेंस का यूज पाया गया और चारों मेडल्स रिवोक किए गए। ऐसा नहीं है कि वेट लिफ्टिंग में डोपिंग केवल चाइना करता है, पर यह ध्यान देने वाली बात है कि किसी इंडिविजुअल की डोपिंग करने और स्टेट द्वारा बच्चों को डोप करने में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि चाइना का हर एक एथलीट जो मेडल जीतता है उसमें उसकी मेहनत का कोई रोल नहीं है या फिर वो सिर्फ डोपिंग की वजह से मेडल जीतता है। वी हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द पीपल जो अपने देश के लिए मेडल्स जीतते हैं, पर साथ ही साथ अगर कोई देश ऐसी मलिशियस एक्टिविटीज कर रहा है जहां पे वो मेडल्स की होड़ में अपने देश के बच्चों को डोपिंग जैसी कंसर्निंग प्रोसेस के थ्रू गुजार रहा है तो उसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। इस पूरी प्रोसेस को लेके आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।